हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने विंडोज 10 की ओरिजिनल जेन्युइन विंडो को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। जी हां, यहां पर हम डेल के ही ऑफिशियल सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये टोटली फ्री है। तो इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपका जो लैपटॉप या पीसी होगा वो डेल का होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डेल के सॉफ्टवेयर के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो जो बाकी के सॉफ्टवेयर हैं, मतलब बाकी की जो कंपनियाँ हैं, उनके भी आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, तो वो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके बाकी के कंपनी के व्यूअर्स उस पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, पहले तो आपको एक 16 GB की पेन ड्राइव या 16 GB से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, और 5 GB से ज़्यादा इंटरनेट। जी हाँ, मतलब 6 GB वाला डेटा पैक आप ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में आपको कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है, सिंपली आपको गूगल पे जाके, नेट पे जाके सर्च कर दीजिए डेल OS रिकवरी टूल। तो ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं इसकी, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डेल की ऑफिशियल साइट है, यहाँ से डाउनलोड टूल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही डाउनलोड होता है मैं आपको इंस्टॉल करके बताऊँगा, देन उसके आगे की प्रोसेस बताऊँगा। तो ये हो गया इंस्टॉल, और यहाँ पर हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर इसको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, और कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, क्योंकि मैंने जब लास्ट वाली एक वीडियो बनाई थी विंडोज 10 की रिकवरी इमेज पे ही, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट आए थे। वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि डेल ने अपना सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, उसके कारण लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में आपको पूरा 0 से 100 तक बताऊंगा, ताकि आपको हर एक प्रोसेस समझ आ जाए, और ये न्यू प्रोसेस है तो वो भी आपको इजीली समझ आएगी। तो चलिए, यहाँ पर हमारा डेल का रिकवरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, तो उसको सिंपली क्लिक कीजिए कट पे एंड क्लोज पे, देन उसके बाद सिंपली इसको ओपन कीजिए डेल OS रिकवरी टूल को। और यहाँ पर हमें सिंपली थोड़े बहुत क्लिक ही करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर आपका थोड़ा सा नेट ज़्यादा लगेगा, तो आप पहले ही नेट का इंतज़ाम कर लीजिए। जियो में आपको 100 रुपीज़ में 6 GB मिल जाता, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ इसका इंटरफेस। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सामने मेरे लैपटॉप की डिटेल आ गई है, बट अगर आपको किसी और लैपटॉप के लिए या पीसी के लिए करना है, मतलब आपके जिस डिवाइस में आपने इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर, उसके अलावा कहीं और करना है, तो आप सिंपली अनदर कंप्यूटर पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका जो भी टैग है वो डाल के, टैग कहाँ मिलेगा, टैग आपको पीछे की तरफ मिलेगा लैपटॉप के, और आपको पीसी के भी पीछे की तरफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम स्विच टू एडवांस करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से बता सकूँ मैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो सिलेक्ट OS आप ब्राउज भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी आप बना चुके हैं तो अभी तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम इसको क्लिक करेंगे देन फॉर दिस कंप्यूटर। और अगर आपके पास किसी और कंप्यूटर या किसी और लैपटॉप के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सर्विस टैग इंटर करना पड़ेगा फॉर दिस अनदर कंप्यूटर के लिए। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको टैग लिखना पड़ेगा, और देन उसके बाद उसकी डिटेल आ जाएगी, देन आपको सिंपली नेक्स्ट क्लिक करना है। और यहाँ पर फिर से मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर आपको कोई भी गारंटी वारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ गए, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन जो है वो तकरीबन 600 MB का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है वो 5 GB का है। तो यहाँ पर आपको इसमें जो रिपेयरिंग चीज़ें हैं, बैकअप डेटा, बचे हुए ड्राइवर्स हैं डेल के, वो आपको इंस्टॉल कर दिया जाएगा, बट यहाँ पर आपको विंडोज 10 की ओरिजिनल इमेज मिलेगी। सिर्फ आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, आपको इमेज चाहिए तो सिर्फ डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। देन हाँ, एक और चीज़ बताऊँगा, आप जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको वो मांगेगा कि कौन सी डिस्क में आपको करना है, तो यहाँ पर मैं मेरी पेन ड्राइव लगा देता हूँ, तो ये मैंने इंसर्ट कर दी। अब देख सकते हैं आप, रिफ्रेशिंग कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली इसने कर दिया, जबकि मैं उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो आप जैसे ही इसको करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो वैसे मैं आपको एक रेकमेंड करूँगा कि आप जैसे ही कोई भी ड्राइव इंस्टॉल करें, मतलब ये रही डेल रिस्टोर, तो मैं ऑलरेडी इसमें कर चुका हूँ, इसलिए आपको फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसको पूरा फॉर्मेट कर दीजिएगा, देन उसके बाद इंटर कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ स्टार्ट डाउनलोडिंग आ जाएगा। आप डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वेरीफाई आएगा, देन वेरीफाई के थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर कुछ भी क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपली सीधा चलते रहना है, और देन उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट ISO आ जाएगा, फिर आपकी पेन ड्राइव में ये बूटेबल बना देगा, देन उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो चलिए, अब हम लैपटॉप को रिस्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी वो पेन ड्राइव लगी हुई है, और तो चलिए हम करते हैं इसको रिस्टार्ट, और
फिर दबाना है हमें F12, तो ये किया मैंने रीस्टार्ट, तो ये हमारा विंडो अब स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर अब आपको दबाना है F12। जी हाँ, F12 दबाते रहिए, बस 1 से 2 बार दबा दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन आ गए हैं, तो हमें इसमें से कौन सा चुनना है। हमारा ये सैनडिस्क पार्टीशन 1, क्योंकि हमने यही पेन ड्राइव यूज़ करी थी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। देन आपको अब सिंपल इंटर करना है, इंटर कीजिए। देन उसके बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा नीचे की तरफ, डेल के नीचे आपको यहाँ पर लोडिंग मिलेगी। देन चलिए, जब तक मैं स्किप कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देन आपको उसके बाद ऐसा कुछ मिलेगा, तो यहाँ पर अभी हमें लैंग्वेज चूज़ करनी है, तो यहाँ पर हम हमारी लैंग्वेज चूज़ करेंगे यूनाइटेड स्टेट की। देन वैसे तो हम यही करते हैं इंग्लिश, बाकी आपकी मर्ज़ी है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर रिपेयर करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से रिपेयर तो रहने दीजिए, हम इंस्टॉल ही करते हैं, क्योंकि हमें पूरे जो हमारे लैपटॉप है उसमें आपको पूरी ही चेंज करना है, मुझे पूरा विंडो ही फिर से इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे, तो ये सेटअप थोड़ा सा टाइम लेगा। देन मैं आपको उसके बाद फिर से बताता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर सेटअप कंप्लीट हो गया है। देन उसके बाद आपको कुछ ये ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है आई एक्सेप्ट पे, तो ये ऐसा टिक मार्क हो जाएगा। देन बाकी आपको जो भी है लेटेस्ट अपडेट वगैरह वगैरह, देन उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम, तो आप ऊपर देख सकते हैं विंडोज़ एंड की फाइल्स, नहीं हमें तो कस्टम करना है, एडवांस ओनली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हमारी सी ड्राइव्स यूज़ करेंगे, जो कि पार्टीशन 3 के अंडर है, जो कि हमने 400 GB की है। तो हम पहले इसको फॉर्मेट कर दें, क्योंकि हमें पूरा फॉर्मेट करना है। देन उसके बाद हम उसको फॉर्मेट करेंगे, पूरा फॉर्मेट कर दूं मैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, इसको भी फॉर्मेट कर देता हूँ, मेरी ड्राइव को, सारी ड्राइव को फॉर्मेट कर देता हूँ मैं, ताकि मुझे एक फ्रेश पूरा लैपटॉप फ्रेश मिले मुझे बिल्कुल ही। तो ये मैं यहाँ पर पूरा फॉर्मेट कर देता हूँ। देन आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी और कोई सी चीज़ें फॉर्मेट मत कीजिएगा, बाकी सिर्फ यही कीजिएगा ड्राइव, जो कि आपकी बड़ी ड्राइव होंगी ना, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ड्राइव हैं, तो उनमें से कर दीजिएगा, बाकी ड्राइवों को बिल्कुल फॉर्मेट मत कीजिएगा। तो आप चाहें तो सिर्फ सी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो मेरी जो सी ड्राइव है वो सबसे ज़्यादा GB की है, तो मैं उसी को चूज़ करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं नेक्स्ट कर दिया मैंने। देन उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी सी कॉपिंग फाइल में थोड़ा सा टाइम लगाता है, देन उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। जब वो लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको कुछ इस टाइप से एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। देन चलिए अब ये कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमें सेटअप आ रहा है, डेल एप्लीकेशन प्रिपेयरिंग फॉर OOBE, यहाँ पर कॉर्नर में ऊपर लिखा है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या आता है। वैसे जो लास्ट वाली प्रोसेस थी वो काफ़ी लेंदी थी, आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस किया है टाइम, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देता था, 5 से 6 घंटा। बट इस बार शायद उन्होंने नए अपडेट के अंदर नई जो इमेज दी है बहुत ज़्यादा GB की है। लास्ट बार आपको 3 GB की इमेज मिलती थी, 3 पॉइंट कुछ करके, देन इस बार आपको 5 GB की इमेज मिलती है, तो जिसके कारण हमारे डिस्क स्पेस ज़रूर बढ़ जाएगा, बट आपको कुछ काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी उसमें। तो चलिए ये देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो आपको कुछ इस टाइप से सेकंड प्रोसेस दिखेगी, प्रोसेसिंग जर्नलाइज फेज्ड, देन ये कंप्लीट होता है, देन उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, फिर से यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करने मिलेगा। तो यहाँ पर हम फिर से अपनी लैंग्वेज चूज़ करके नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोर्टाना का आ चुका है, बस आई थिंक मुझे तो पसंद नहीं है कोर्टाना का, Hi there, I'm Cortana. बस चलो ठीक है, यहाँ से बंद कर दिया। देन ये कुछ देर और लोडिंग करेगा। देन कीबोर्ड लेआउट तो यूएस ही रहेगा। देन सेकेंडरी कीबोर्ड लेआउट नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, बाकी अगर ज़रूरत होगी तो बाद में भी कर सकते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर लाइसेंस अरेंजमेंट का आ जाता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वैसे पढ़ता तो कोई नहीं है, बट आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इतना लंबा कौन पढ़ेगा। देन अब हमारा जो अकाउंट है उससे हमें करना पड़ेगा, तो चलिए मैं अपना अकाउंट डाल देता हूँ, मैं अपना पासवर्ड इंटर कर चुका हूँ, देन नेक्स्ट कर देते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप चाहें तो ज़रा सी देर में बन जाता है, फ्री अकाउंट रहता है, कोई पैसे वाला नहीं रहता है, तो आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं, और नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट आपके पास जेन्युइन विंडो था
तो उसमें आपका अकाउंट डला ही होगा, और नहीं भी होता आप नए अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें क्रिएट पिन करना पड़ेगा, तो क्रिएट पिन कर देते हैं हम। चलिए यहाँ पर हम हमारा नंबर एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। बैकअप योर फाइल विथ वन ड्राइव। मुझे तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो हम बाद में इसको हटा देंगे, बट अभी तो हम नेक्स्ट करते हैं ताकि हमारा विंडो आगे बढ़ सके। तो आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि आपको बेटर जो अपडेट रहते हैं वो आपको अच्छे से मिलते रहते हैं। और यहाँ पर अब आपको आगे ऑप्शन आ चुका है, तो ऑलमोस्ट ये ऑप्शन जो भी रहते हैं डिफ़ॉल्ट रहते हैं। मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन हम बंद कर देते हैं ताकि हमें ऐड ना आए। बाकी जो ऑप्शन हैं आई थिंक ठीक ठाक हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो चलिए हमारा विंडो हो चुका है इंस्टॉल, और अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से बता सकूं आगे की प्रोसेस जो है वो कैसे लाना है माय कंप्यूटर को। तो पर्सनलाइज पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा शो डेस्कटॉप आइकन्स। आप इसको एक ओपन करेंगे तो एक ब्राउज़र खुलेगा आपका डिफ़ॉल्ट जो भी होगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ओपन पर्सनलाइज सेटिंग। आप चाहें तो डायरेक्टली भी जा सकते हैं इसके थ्रू, बट इसमें अभी ये ऑप्शन दे दिया गया है तो आप उसके थ्रू जाएँ। तो यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए थीम के अंदर जाके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माई कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक देन ओके। और ये अगर आपको कुछ और चाहिए कंट्रोल पैनल यूज़र प्रोफाइल और नेटवर्क तो आप वो भी कर सकते हैं, और ओके कर दीजिए, और यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका ये हो जाएगा आपका माय पीसी, यहाँ आ जाएगा दिस पीसी, और ये रही मेरी ड्राइव्स। तो इस टाइप से आप अपने विंडो को फॉर्मेट कर सकते हैं, और अगर आपकी जेन्युइन विंडो खो गई थी या किसी भी रीज़न से हार्ड ड्राइव खराब होने के कारण, क्रैश होने के कारण, या आपको फिर से रीसेट करना है पूरा विंडो, तो आप इस टाइप से अपने पूरी जेन्युइन विंडो को, लेटेस्ट जेन्युइन विंडो को डाउनलोड कर सकते हैं और इस टाइप से इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अपना ओपिनियन बताइए। अगर आपको कुछ पूछना है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाके भी पूछ सकते हैं, और एक और आप इसके कमेंट बॉक्स में भी जाके पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम सौरभ फ्रॉम टेक मी टेक्निकली।